बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके बिजनेसमैन पति आनंद आहूजा अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर घर आ चुके हैं। उनके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के साथ बच्चे का घर में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया था और अब रिया कपूर ने इसकी झलक सोशल मीडिया पर भी दिखाई। ढेर सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए ये भी बताया कि अपने भांजे का पेट नेम भी रख दिया है। आपको बता दें, सोनम कपूर ने 20 अगस्त को बेटे को जन्म दिया और इनके अलावा जब सोनम कपूर घर आती हैं तो बच्चे के नाना यानी अनिल कपूर ने अपने नाती का किस तरह स्वागत किया उसकी वीडियो भी हम दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारे ब्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है जिसमें नया लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो सोनम कपूर और आनंद आहूजा अपने न्यूबॉर्न बेबी को अस्पताल से घर ले आए हैं। कपूर फैमिली ने बच्चे के साथ माता पिता के स्वागत की शानदार तैयारियां की थी। रिया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर वीडियोस को शेयर कर इनकी झलक फैंस को दिखाई है। इन वीडियोस में दिख रहा है कि घर गुब्बारों से सजाया गया और चारों तरफ फूल नजर आ रहे हैं। वहीं कई सारे नोट लगे हुए हैं जिन पर वेलकम बेबी कपूर आहूजा लिखा है। इसके साथ ही रिया कपूर ने अपने भांजे को सिबा नाम भी दिया है। बताते हैं कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा शुक्रवार को अपने छोटे बेबी को घर लेकर पहुंचे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि आनंद आहूजा ने न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिया हुआ है और उनके पास सोनम कपूर है। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो कैमरे की तरफ पीठ किए हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद आनंद आहूजा और सोनम कपूर के साथ उनके बेटे का घर पर स्वागत होता है। इस दौरान घर पर पूजा भी होती है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आनंद आहूजा और सोनम कपूर के पिता अनिल कपूर लोगों को मिठाइयां बांटते नजर आ रहे हैं, खुशी का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अनिल कपूर बहुत खुश हैं अपने नाती को देखकर। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में हाल ही में 8 साल का लीप दिखाया गया जिसे लेकर शो की काकू यानी किशोर शाहणे ने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में बातों बातों में ही किशोरी ने बताया कि चाणक के परिवार में 8 साल बाद भी सब साथ रहेंगे लेकिन सबके रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वही शुभांगी अत्रे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा था उस वक्त उनकी बेटी महज 11 महीने की थी लेकिन वो अपनी बेटी को पुणे में छोड़कर मुंबई आ गई थी। वहीं जब उन्हें भाभी जी घर पर है का ऑफर मिला तो उनके पति ने काम करने से उन्हें मना कर दिया लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी और ना ही किसी पर ध्यान दिया। और इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर सोनाली फोगाट की हत्या है। जी हां, सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हुआ था ऐसी खबरें आई थी लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही हर कोई सहम गया। हाल ही में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो बिग बॉस 14 के स्टार की हत्या बताई जा रही है। जी हाँ, उनके चेहरे पर चोट के निशान देखे गए जिसके बाद सोनाली की बेटी ने कहा कि माँ को न्याय मिलना चाहिए। इनके अलावा एकता कपूर के धमाकेदार शो नागिन 6 में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। जनरेशन लीप के बाद तेजस्वी प्रकाश शो में प्रथा की बेटी प्रार्थना का किरदार अदा करती नजर आएंगी। जनरेशन लीप से जुड़ा उनका लुक भी वायरल हो रहा है जिसने फैंस का दिल जीत लिया। इनके अलावा अमनदीप सिद्धू और प्रतीक जायसवाल का लुक भी रिलीज हो चुका है और अब हम सबकी चहेती शहनाज गिल का वीडियो भी कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहनाज गिल ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें वो झरने के नीचे बैठकर सुकून के पल बिताती नजर आई थी। इस वीडियो में शहनाज गिल भी उनके साथ दिखाई दिए थे। एक्ट्रेस के इस वीडियो को लेकर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। इससे पहले शहनाज गिल गाना गाती भी नजर आई थी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अंकिता लोखंडे का आता है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शादी के कुछ समय बाद पहली रसोई की रस्म निभाई थी। इस दौरान अंकिता लोखंडे नाइट ड्रेस पहनकर पहली रसोई का खाना बनाती दिखाई दी थी। अंकिता लोखंडे ने अपनी ससुराल में सबसे पहले हलवा बनाया था। इनके अलावा श्रद्धा आर्या, कुंडली भाग्य स्टार श्रद्धा आर्या ने शादी के बाद एक वीडियो फैंस के साथ शेयर की थी। इस वीडियो में श्रद्धा आर्या रसोई में हलवा बनाती नजर आई थी। वहीं मौनी रॉय ने अपनी पहली रसोई की रस्म में पूरा खाना बना डाला। जी हाँ, फोटो में मौनी रॉय लड्डू बनाती दिख रही हैं और पूरा पूरा लंच भी तैयार करती हैं। यानी मौनी रॉय इस लिस्ट में सबसे बड़ी संस्कारी बहू निकली हैं।
इनके अलावा नीति टेलर ने भी शादी के बाद पहली रसोई में हलवा बनाया था। नीति टेलर ने इस दौरान कैमरे के आगे जमकर पोज भी दिए थे। और करिश्मा तन्ना भी शादी कर चुकी हैं। शादी के बाद करिश्मा तन्ना ने अपने पति को हलवा बनाकर खिलाया था। फोटोज में करिश्मा तन्ना हलवा थामे नजर आ रही थी। इनके अलावा शिरनी मिर्जा, यह है मोहब्बत स्टार शिरनी मिर्जा ने भी शादी के बाद पहली बार पूरा खाना बनाया था। इस तस्वीर में शिरनी मिर्जा सब्जी बनाती नजर आ रही थी। श्वेता अग्रवाल ने अपनी सास की मदद से पहली रसोई की रस्म निभाई थी। इस दौरान श्वेता अग्रवाल ने भी हलवा बनाया था। कल आप इन नई नवेली बहुओं में सबसे ज्यादा संस्कारी बहू किसे मानते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशनशिप काफी वक्त तक चला था और हर किसी की नजरों में था। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से मिले धोखे के बाद अंकिता टूट गई थी। उन्हें विकी जैन में अपना पार्टनर मिला और 2021 में अंकिता लोखंडे ने विकी से शादी कर ली। वही रुबीना दिलैक को उनके को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेव से धोखा मिला था। इसके बाद रुबीना दिलैक ने अभिनव शुक्ला को अपना हम सफर बना लिया है और आज भी ये जोड़ी सुर्खियों में रहती है। वहीं सना खान को कोरियोग्राफर मेलविन लुइस से धोखा मिला था, जिसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन बाद में उन्हें मुफ्ती अनस सैयद के रूप में अपना हम सफर मिला। वहीं शादी के बाद आज एक्टर शाही जिंदगी जी रही है। इनके अलावा नेहा कक्कर, जो अपने ब्रेकअप को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं, नेहा कक्कर को एक्टर हिमांश कोहली से धोखा मिला था, जिसके बाद वो टेलीविजन पर भी रोई थी और हर कोई नेहा कक्कर के ब्रेकअप की खबर सुनकर शॉक रह गया था। लेकिन इस धोखे के बाद रोहन प्रीत सिंह उनकी जिंदगी में प्यार की किरण लेकर आए और उनके साथ नेहा कक्कर ने घर भी बसा लिया। वहीं एक्ट्रेस काम्या पंजाबी को एक्टर करण पटेल से धोखा मिला था, जिसके बाद काम्या ने बंटी नेगी से शादी की। हालांकि इनकी शादी भी सफल नहीं हो पाई, लेकिन शलभ डांग एक्ट्रेस की जिंदगी में दोबारा प्यार की उम्मीद लेकर आए थे। और अनीता हसंदानी को एक्टर अज़ाज़ खान से धोखा मिला था, लेकिन रोहित रेड्डी से प्यार होने के बाद अनीता ने तुरंत घर बसा लिया था। एक्ट्रेस गौहर खान और कुशाल टंडन की जोड़ी बिग बॉस में बनी थी, लेकिन शो से बाहर होते ही दोनों अलग हो गए थे। वहीं जयस दरबार गौहर खान की जिंदगी में प्यार का बहार लेकर आए। दोनों शादी के बाद खुशी खुशी रह रहे हैं। इनके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी ने करीब 8 सालों तक शरद मल्होत्रा को डेट किया था, लेकिन उनसे मिले धोखे ने दिव्यांका को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि विवेक दहिया से मुलाकात के बाद दिव्यांका की किस्मत दोबारा चमकी। दोनों अब खुशी खुशी शादी के बाद जिंदगी बिता रहे हैं।